हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी। गाइस, आप सब भी साथ साथ अपना स्कोर नोट डाउन करते रहना एंड एट द एंड कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, ताकि इससे पता लगे कि आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी टॉपिक कितना समझ आया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होते हैं हमारी? जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, पेट्रोलियम, कोल, कोक एंड विंड। ये सब तो क्या है, एक टाइम पे क्या हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, तो ये तो नॉन रिन्यूएबल है। तो विंड क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कभी हमारा डिप्लीट नहीं होगा। तो विंड इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन इज़ कुकिंग गैस कंसिस्ट ऑफ। कुकिंग गैस किस किस कंपोजिशन से बनी होती है? ब्यूटेन या मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, प्रोपेन एंड मीथेन, प्रोपेन एंड पेंटेन। तो सो आवर आंसर इज बी, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। कुकिंग गैस में क्या क्या होते हैं? ब्यूटेन एंड प्रोपेन, इन कंपोजिशन से कुकिंग गैस बनी होती है। नेक्स्ट वन इज द फ्यूल हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कौन सा फ्यूल है जिसमें हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है? हाइड्रोजन। और आंसर इज डी। नेक्स्ट वन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजीज। एलपीजी में मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? ब्यूटेन। नेक्स्ट वन इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस में मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? मीथेन। सो आवर आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव। आइडियल सोर्स कौन सा? जो गुड सोर्स, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, क्या क्या होना चाहिए? हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी होनी चाहिए, इजीली ट्रांसपोर्टेबल भी होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। सो आवर आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉसिल फ्यूल्स आर। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं हमारी? एक टाइम पे डिप्लीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये किससे बने होते हैं? डेड एनिमल्स से बने होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? एक टाइम पे डिप्लीट हो जाते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनको फिर से यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन अब्सेंस ऑफ एयर। हमने पढ़ा था ना कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम जैसे ही ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल में या फिर नेचुरल गैस में, तो किस प्रोसेस से करते हैं? इन अब्सेंस ऑफ एयर में, एयर प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द बर्निंग ऑफ कोयल। कोयल को जब हम बर्न करते हैं तो क्या क्या हमारा गैस निकलती है? CO2 निकलती है, एक सल्फर भी निकलती है, और क्या निकलती है? नाइट्रोजन। ये तीन गैस निकलती हैं हम जब कोयल को बर्न करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हम कोयल को बर्न करते हैं तो हमारी तीन गैस निकलती है, CO2 निकलती है, सल्फर निकलती है और नाइट्रोजन निकलती है। CO2 में CO2 निकलती है, CO3 निकलती है, S में SO2 एंड SO3 निकलती है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। तो ये पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द बर्निंग ऑफ कोयल। बर्निंग ऑफ कोयल से क्या क्या होगा, कौन कौन से एसोसिएट होंगे? CO2 एमिशन, ये होता ही है, हमें पता है CO2 गैस निकलती है। एसिड रेन इफेक्ट होगा, हाँ होगा, क्योंकि बर्निंग ऑफ कोयल से क्या है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है हमारी? ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, नाइट्रोजन गैस निकल रही है, सब इफेक्ट होंगे, तो इसलिए हमारी एसिड रेन भी इफेक्ट होएगी। ऐश विद टॉक्सिक मेटल सुपरनिटी, ये भी इफेक्ट होएगा। सो आवर आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में हमने पढ़ा था कि मेन सोर्स क्या है थर्मल पावर प्लांट का? फॉसिल फ्यूल्स। थर्मल मीन्स हीट, और किसको हीट करते हैं हम? फ्यूल्स को, फॉसिल फ्यूल्स को हीट करने पे हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट में। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है इसमें? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल्स। सो आवर आंसर इज डी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विंड इज कॉज ड्यू टू। विंड किस वजह से फ्लो होती है? विंड क्या होता है हमारा? फ्लो ऑफ एयर।
तो किस वजह से फ्लो होती है? हमने पढ़ा था एक तो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस से भी होती है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से क्या होती है हमारी एयर क्या होती है फ्लो होने लग जाती है। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ पे ही तो ये सब हो रहा है प्रोसेस, तो रोटेशन ऑफ अर्थ भी डिपेंड करेगा, लोकल कंडीशंस भी डिपेंड होएगी। सो आर आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, विंड इज कॉज ड्यू टू ऑल ऑफ दीज, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड लोकल कंडीशंस। नेक्स्ट वन इज सोलर सेल्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। ये बताया था ना मैंने कि जो सोलर एनर्जी है वो किससे ऑब्जर्व होती है? सोलर पैनल से। सोलर पैनल किस किस से बने होते हैं? सोलर सेल्स से। और ये सोलर सेल्स किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या है? हमारा सेमीकंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है इसमें। जैसे ये इसको पूरे को क्या बोलेंगे? सोलर पैनल्स, जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं सन से वो अब्जॉर्ब करता है सोलर पैनल्स। और सोलर पैनल्स किससे बना होता है? छोटे छोटे सोलर सेल्स से। और ये सोलर सेल्स किससे बनी होती हैं? सिलिकॉन से। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द मटेरियल यूज फॉर इंटरकनेक्शन द सोलर सेल्स इन द सोलर पैनल। अब हमने देखा है कि सोलर पैनल ये होता है, सोलर सेल्स हमारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं सोलर पैनल में, तो जो सोलर सेल्स हैं ये आपस में किससे कनेक्ट होती हैं? सिल्वर से। सिल्वर में भी क्या होता है? इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। हमारी जो सोलर सेल्स हैं वो किससे बनी है? सिलिकॉन से बनी है, बट आपस में कनेक्ट किससे हैं? सिल्वर से। सो आवर आंसर इज बी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन इज, 14th, ए सोलर पैनल इज मेड बाई कंबाइनिंग इन एन अरेंजमेंट। सोलर पैनल हमने पढ़ा है, सोलर पैनल किससे कनेक्ट है? कंबाइनिंग किस किस का अरेंजमेंट है? सोलर सेल्स का। सो आवर आंसर इज सी। नेक्स्ट वन इज टाइडल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेंड फ्रॉम। जो टाइडल एनर्जी होती है हमारी वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो किससे ऑब्टेंड होती है? हमारी टाइड से। जो ओशंस में जो टाइडल वेव्स आती हैं, ये जो हमारी ओशंस है इसमें हाई टाइड्स आती हैं, उनसे बनी होती हैं। हमने पढ़ा था कि टाइड्स राइजिंग भी हो सकती है, अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। सो आवर आंसर इज बी, ओशन इन द फॉर्म ऑफ टाइडल वेव्स। नेक्स्ट वन इज टाइडल एनर्जी इज ए हार्नेस बाई कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस। ये भी हमने पढ़ा था, जब टाइडल एनर्जी यूज हो रही है बाई कंस्ट्रक्टिंग ए डैम, तो उसमें हम क्या क्या ओपन करते हैं? नैरो ओपनिंग टू द सी। क्यों? क्योंकि हम जो नैरो लगाते हैं, नैरो ओपनिंग करते हैं, तो यहाँ क्या लगाते हैं हम? टर्बाइंस। तो नैरो ओपनिंग होगा तभी तो फ्लो क्या होगा? वाटर का ज़्यादा होगा। वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा, टर्बाइंस ज़्यादा घूमेंगे, जल्दी जल्दी घूमेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होगी। मतलब फ्लो ज़्यादा रहेगा, टर्बाइंस तेज से मूव करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि टाइडल एनर्जी में जो कंस्ट्रक्ट होते हैं डैम्स, उसमें नैरो ओपनिंग होती है सी की। सो आवर आंसर इज ए, नैरो ओपनिंग टू द सी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? सन से। नेक्स्ट वन इज ओशियन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू। ओशियन थर्मल एनर्जी कौन कौन सी होती हैं? टाइडल एनर्जी होती हैं, और कौन सी होती हैं? वेव एनर्जी होती हैं। ये सब क्या है हमारी? ओशियन थर्मल एनर्जी। और ये किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशियंस। सो आवर आंसर इज बी। नेक्स्ट वन इज द वेराइटी ऑफ कोल विच हैज़ द हाइएस्ट कार्बन कंटेंट। ये हमने पढ़ा था कि कोल में किस किस कंपोजिशन का कितना कितना कार्बन परसेंट है, तो हाईएस्ट कार्बन कंटेंट किस में है? एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस। हमने पढ़ा था कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है हमारी? जूल पर केजी। कि हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि हमारी क्या होनी चाहिए? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। इट मीन्स
कि मास कम होना चाहिए और एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, आउटपुट हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस क्या होती है हमारी? जूल पर केजी। सो अवर आंसर इज़ डी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर एनर्जी कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज। जो सोलर एनर्जी है हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो एक कौन सा डिवाइस होता है हमारा? सोलर सेल्स होता है। जो सेल्स होते हैं, सॉरी, सोलर पैनल्स में जो सेल्स होते हैं उसी से ही तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है हमारा? मीथेन। नेक्स्ट वन इज विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन सोलर सेल्स। ये हमने अभी भी पीछे भी पढ़ा और पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि सोलर सेल्स कौन से एलिमेंट से बना है? सिलिकॉन से। बट जो सेल्स कनेक्ट हैं आपस में, इंटर कनेक्शन किससे है? सिल्वर से है, बट बना किससे है? सिलिकॉन से। नेक्स्ट वन इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। सो आंसर इज सी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेंट स्लरी बायो वेस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग बायोगैस इज यूज्ड। हमने पढ़ा था कि जो स्लरी होता है बायोगैस बनाने के लिए, तो स्लरी यूज़ करते हैं और स्लरी हमारा जो है उससे गैस निकलती है तो गैस टैंक में आ जाती है, वो हमारा आउटपुट निकल जाता है। बट जो हमारा अंदर सॉलिड वेस्ट जो बच जाता है उसका हम क्या करते हैं? खाद बना लेते हैं, मैन्योर। सर आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर एमिटेड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये हमें पता है फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो हमारे क्या क्या निकलता है? CO2, NO2 एंड सल्फर। सर आंसर इज ए, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स क्रिएट्स मोर पोल्यूशन। मोर पोल्यूशन किससे होता है? CNG से तो नहीं होता, फॉसिल फ्यूल्स। सो आर आंसर इज बी। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे क्या आते हैं? कोल। कोल को हम बर्न करते हैं तो क्या होता है हमारा? मोर पोल्यूशन क्रिएट होता है। सो आर आंसर इज बी। सोलर सेल्स में तो सन यूज हो रहा है, सन से कोई पोल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट वन इज फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं? हम हीट करते हैं और हीट किसको करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स को। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट वन इज इन ए हाइड्रो पावर प्लांट हाइड्रो मीन्स वाटर, जो वाटर से एनर्जी क्रिएट हो जाए। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? वाटर से हम क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और वाटर से हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? डैम बना के। रिवर्स में हम बड़े बड़े क्या बना देते हैं? डैम बना देते हैं। और वो डैम हम क्या करते हैं? हाई हाइट पे बना देते हैं, बिल्कुल ऊंचे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का फ्लो क्या होगा? ज़्यादा होगा। वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा तो टर्बाइंस अच्छे से घूमेंगे। टर्बाइंस अच्छे से घूमेंगे तो ड्यू टू EMI इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जनरेटर कनेक्ट होता है और टर्बाइंस घूम रहे हैं तो कोयल्स, जनरेटर की जो कोयल्स हैं वो भी घूमने लग जाएंगी तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? डैम्स को ऊंचा बनाते हैं, एकदम हाई हाइट पे बनाते हैं। तो ऊपर बनाने से, डैम को ऊपर बनाने से तो हमारे क्या होता है? वाटर फ्लो, जो वाटर का जो फ्लो है वो क्या होता है? हाई होता है, स्पीड हाई होती है। और हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? MgH। हाइट पे डिपेंड कर रहा है, डैम हमारा हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि डैम हम कितना ऊंचा बनाते हैं। और हाइट किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी पे। सो आर आंसर इज ए। पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीड्स टू लीस्ट एनवायरमेंट पोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ इट्स हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजेशन। सबसे कम
पोल्यूशन कौन सा करता है एनवायरनमेंट पे? देखते हम, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है हमारा? जैसे बॉम ब्लास्ट, उससे तो पोल्यूशन होता है। थर्मल एनर्जी क्या होता है हमारा? कोल को हीट करने पे मिलता है, तो उससे भी पोल्यूशन होता है। सोलर एनर्जी क्या होती है हमारी? सन से मिलती है, सन से क्या होता है हमारा? कोई पोल्यूशन नहीं होता। सो आंसर इज सी, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट वन इज ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू। ओशन थर्मल एनर्जी कौन कौन से होते हैं? जैसे टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, और ये हमने पीछे भी पढ़ा है। किस वजह से होते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस है डिफरेंट लेवल्स इन द ओशियन। सो आर आंसर इज बी। नेक्स्ट वन इज द पावर जनरेटेड इन ए विंड मिल। विंड मिल कौन से होते हैं? जो टर्बाइंस, बहुत सारे टर्बाइंस हो एक ही जगह पे, बहुत सारे टर्बाइंस हो, तो जो वाइंड का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसकी वजह से क्या होगे? टर्बाइंस फ्लो होंगे। टर्बाइंस फ्लो होंगे तो जनरेटर की कोइल्स फ्लो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो विंड मिल किसको बोलते हैं? जहाँ पे टर्बाइंस हो बहुत सारे, तो उस मिल को बोलते हैं विंड मिल। तो ये कैसे पावर जनरेट करती है, किस पे डिपेंड करती है? द पावर जनरेटेड इन ए विंड मिल इज मोर इन रेनी रीजन, ओ सॉरी रेनी सीजन नहीं, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट पे भी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा तेज हवा फ्लो करेगी, विंड फ्लो करेगी, उतनी तेज़ टर्बाइंस फ्लो होंगे। टर्बाइंस फ्लो होंगे तो जनरेटर की कोयल भी फ्लो होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोड्यूस हो जाएगी। सो आर आंसर इज सी, कि जो विंड मिल में जो पावर जनरेट हो रही है वो किस पे डिपेंड होगी? विंड वेलोसिटी पे। नेक्स्ट वन इज रेडिएशंस विच आर हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन। कौन सी रेडिएशंस हार्मफुल होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द बर्निंग ऑफ कोयल। ये हमने पीछे कर लिया कि बर्न ऑफ कोयल से क्या होता है, CO2, NO2, SO2, ये सब गैस निकलती हैं, और ये किस किस को इफेक्ट करेंगी? CO2 एमिशन होता है, एसिड रेन को भी इफेक्ट करेगी, और एश विद टॉक्सिक मेटल सपोनिटीज को भी डिपेंड कर देगी। सो और आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव, ये भी हमने कर लिया कि एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इजीली ट्रांसपोर्टेबल, इजीली एक्सेसिबिलिटी। सो आर आंसर इज डी। नेक्स्ट वन इज फुल फॉर्म ऑफ LPG। LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड फाइट पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू कोयल इज, ये हमने पढ़ा था कि डेड वेजिटेशन को कोयल में कन्वर्ट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर इज कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, लिस्ट सबसे कम पोल्यूशन करने वाला फ्यूल कौन सा होता है हमारा? CNG। नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर द, ये हमने पढ़ा था कि पेट्रोल को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। तो ये कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम यूज ब्लैंक एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर। ये अब हमने पढ़ा है, हाइड्रो मीन्स वाटर, और वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं कैसे? डैम बना के। और डैम हम क्या बनाते हैं? एकदम ऊंचा बनाते हैं, हाई हाइट पे बनाते हैं। तो हाइट पे कौन डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है? MgH। सो आर आंसर इज सी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज व्हेन वी बर्न ए कैंडल वी यूज एनर्जी ऑफ वैक्स टू गेट लाइट एंड हीट एनर्जी। जब हम कैंडल को बर्न कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है? एक तो लाइट एनर्जी मिल रही है और हीट एनर्जी भी मिल रही है।
तो ये कौन सी एनर्जी हुई हमारी? केमिकल एनर्जी। सर आंसर इज बी। नेक्स्ट वन इज ए रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक व्हेन वी गेट एनर्जी फ्रॉम द रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती कौन सी हैं जिसमें हीट रिलीज हो, तो ये कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी। सर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, उनको उनका कभी डिप्लीशन नहीं हो सकता। तो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं हम। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी भी नेचुरल है। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर एनर्जी भी नेचुरल है। सोलर एनर्जी सन से मिलती है, सन से मिलती है और सन भी नेचुरल है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज एसिड रेन हैपन्स बिकॉज। एसिड रेन्स क्यों होती हैं? फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो हमारी क्या निकलती है? CO2, NO2 एंड SO2। तो उस वजह से हमारी रेन क्या हो जाती है? एसिड हो जाती है। एसिड रेन हैपन्स होती है। सर आंसर इज बी कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमोसफेयर। इनके इफेक्ट से क्या है? एसिड रेन हैपन्स होती हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 थर्मल पावर प्लांट यूजेस। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल मतलब हीट। हीट हमने किसको किया है? फॉसिल फ्यूल्स को। और फॉसिल फ्यूल्स हमने क्या क्या पढ़े थे? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो आवर आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज विच ऑफ द गिवन इज नॉट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सॉरी यहाँ पे नोट नहीं आएगा। विच ऑफ द गिवन इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है हमारी? नॉन रिन्यूएबल होती हैं। और नॉन रिन्यूएबल कौन सी होती हैं? जो एक टाइम पे डिप्लीट हो जाती हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, बायोमास, सोलर एनर्जी, वेजिटेबल वेस्ट। सर आंसर इज ए। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? हमारे बर्न करने पे एक टाइम पे डिप्लीट हो जाते हैं। तो हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा हुआ? फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट वन इज जियोथर्मल एनर्जी इज एनर्जी ड्राइव फ्रॉम। हमने पढ़ा था जियोथर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी होती है जो अर्थ की जो नेचुरल हीट है उससे हम एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जियोथर्मल एनर्जी में। तो अर्थ की जो नेचुरल हीट है वो हमें कहाँ से मिली है? अंडर द अर्थ। सो आंसर इज ए, हॉट स्पॉट्स अंडर द वाटर, सॉरी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज द पॉपुलर नेम ऑफ बायोगैसेज। बायोगैस किससे मिलती है हमें? बायो वेस्ट से। बायो वेस्ट मतलब कौन कौन से होते हैं? जैसे जो डेड एनिमल्स हैं, सॉरी जो हाँ जो एनिमल्स के वेस्ट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट हैं। एनिमल का वेस्ट जैसे क्या हुआ? काऊ डंग हुआ। और काऊ डंग को क्या बोलते हैं हम? गोबर बोलते हैं। तो इसका पॉपुलर नेम क्या है बायोगैस का? गोबर गैस। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज विच ऑफ दीज इज मोस्ट प्रेफर्ड फ्यूल इन अर्बन किचन्स। अर्बन किचन्स में हम कौन से फ्यूल यूज़ करते हैं? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट वन इज विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज द मोस्ट यूज इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी और विंड एनर्जी। कौन सी हो रही है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज मेजर्ड बाय कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट वन इज द कंट्री ऑफ विंड्स इज। कौन सी कंट्री है विंड्स की? डेनमार्क। कौन सी है? डेनमार्क। सबसे ज़्यादा विंड्स विंड्स कहाँ हैं? सॉरी विंड मिल्स कहाँ हैं? कौन सी कंट्री है विंड्स की? डेनमार्क है। नेक्स्ट वन सॉरी नेक्स्ट वन इज फीजन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर नोन एज। हमने पढ़ा था
जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का फ्यूजन करा देते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। सो आवर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज विच स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, तमिलनाडु से। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज यूज टू रन टर्बाइंस इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स मतलब क्या हुआ, हीट किया है हमने, किसको किया है, फॉसिल फ्यूल्स को। और यहाँ पे हम देखेंगे फॉसिल फ्यूल्स कौन सा है, कोल है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स मतलब नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल हमारी विंड एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी, सन ये भी है, हाइड्रल एनर्जी, वाटर ये भी है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स क्रिएट्स मोर पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस द सन्स एनर्जी मोस्ट डायरेक्टली। सन से एनर्जी कौन सी मिलती है हमें, सोलर हीटिंग। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बायोमास। बायोमास क्या है हमारा, वो एनर्जी जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट से मिलती है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज व्हाट आर द टू एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है, जो अर्थ के अंदर ही जो हीट प्रेजेंट है, नेचुरल हीट प्रेजेंट है, उससे मिलती है हमें। तो ये क्या होती है, चीप होती हैं, इजीली मिल जाती हैं और लिटल पोल्यूशन होता है इनसे। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट वन इज ब्लैंक इज द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द सन बाय यूजिंग सोलर पैनल्स। सन से कौन सी एनर्जी मिलती है हमें, सोलर एनर्जी। सो आंसर इज सी। 62 इज ब्लैंक इज ए गैस फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस एंड इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय बर्निंग इट। ये भी हमने पढ़ा था, अर्थ सरफेस के अंदर कौन सी गैस मिलती है हमें, नेचुरल गैस। नेक्स्ट वन इज देयर आर थ्री मेन फॉसिल फ्यूल्स, वी नो देम एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट वन इज ब्लैंक यूजेस द हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हीट जो यूज करते हैं अर्थ के अंदर, जो हीट प्रेजेंट है वो किस में यूज होती है, जियोथर्मल एनर्जी में। नेक्स्ट वन इज द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। ये हमने पढ़ा था, जो टाइडल एनर्जी है जिसमें टाइड्स बनते हैं, टाइड्स कभी अप हो जाते हैं कभी डाउन हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और ये ग्रेविटेशनल पुल किसका होता है, मून का। अर्थ के ऊपर जो मून का अट्रैक्शन है, मून अपनी ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, तो क्या अर्थ तो खींचने से रही, तो क्या खींचेगा, पानी खींचेगा। क्यों, पानी के अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जो बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रोंग नहीं होता, तो पानी खींच जाता है मून की तरफ, ग्रेविटेशनल पुल लग जाता है पानी पे। तो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स क्या होती है हमारी, अप एंड डाउन होती हैं, राइजिंग एंड फॉलिंग होता है टाइड्स का, तो किसकी वजह से होता है, मून की वजह से। सो आवर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज द रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट इज ड्यू टू विच द फीलिंग ऑफ हॉटनेस इज ऑब्जर्व। हॉटनेस हमें फील होता है, जो सन से जो रेडिएशन आ रही है वो कौन सी रेडिएशन होती है जिसमें हमें हॉटनेस फील होता है, कौन सी होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस। और हमने एक क्वेश्चन ये भी पढ़ा था कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करती है हमारे, हार्मफुल होती हैं, वो हमें हार्म करती हैं। और इंफ्रारेड रेडिएशन से क्या पता लगता है हमें, हॉटनेस का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैसेस। मीथेन, ये हमने पहले भी कर लिया। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ बायोगैसेस, ये भी हमने कर लिया। जो लार्जेस्ट कंपोनेंट हो बायोगैस का वो क्या है, मीथेन है वो भी। नेक्स्ट वन इज ब्लैंक इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी कॉल्ड ओटीईसी। ओटीईसी मतलब क्या हुआ, ओशियन थर्मल एनर्जी।
ओशन थर्मल एनर्जी में क्या क्या है? टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। इसमें देखते हैं हम आंसर क्या आएगा। टाइडल एनर्जी, ओशियन वेव्स, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ वाटर, किसकी वजह से होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लेयर ऑफ वाटर? नन ऑफ दीज, बट ये पूछ रहा है ब्लैंक इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। यस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ वाटर, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारी क्या होती हैं, लेयर्स बनती हैं, टाइड्स बनते हैं। नेक्स्ट वन इज द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ द ओशियन एंड डीपर लेवल्स इज कॉल्ड OTE, ओशियन थर्मल एनर्जी। थैंक यू, होपफुली आप सबको मेरी ये लेक्चर से समझ आ रहे होंगे। आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएंगा, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में पूछ लेंगे। थैंक यू।